जस्ट शट अप, तमीज से बात करो। सेम इसमें पहुंच गए। तू कहते दुकान थे बुआ खोल ले बोतला पीवा दे बाबू। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। और नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच गया और शाहीन ने एक दफा फिर कमाल कर दिया। अब सारी गेम और इर्द गिर्द चल रही है यार, ये क्या हो गया? ओए 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 कौन कहते हैं मोजे नहीं होते भाई। पाकिस्तानी टीम अपना बैग पैक करके वापस पाकिस्तान आ रही थी और एकदम से क्वालिफाई हो गई यार। पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है, तो बेस्ट ऑफ लक टू माय पाकिस्तानी टीम। हमें रसाई सेमीफाइनल तक दुनिया हुई हैरान। ए नेदरलैंड तेरा एहसान, तेरा एहसान दुनिया हुई हैरान। एहसान टूर्नामेंट से अच्छी तरह बाहर होने के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम को पाकिस्तान कहते हैं। नेदरलैंड वालों आपका शुक्रिया। ओ पाकिस्तान वाले हो टिकट एयरपोर्ट दिया होल्ड ते ही रखियो, पता नहीं केनू सारा जाना पै गया लास्ट मोमेंट। पाकिस्तान कैसे पहुंच गई सेमीफाइनल? पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया आप रहने दो, हम न्यूजीलैंड से भिड़ते हैं इस बार, हमें ये आप इंग्लैंड से भिड़िए। खैर जीत गई भाई पाकिस्तान ने 5 विकेट से बांग्लादेश को हरा दिया है। आज नीदरलैंड के हर एक खिलाड़ी को बताया ना लाहौर में फ्लैट मिलेगा। ये साउथ अफ्रीका एक बार फिर हो गया है चोक। आई मीन साउथ अफ्रीका में ना ये हाल है सच्ची। एक्सक्यूज मी भाई साहब, रास्ता दीजिएगा जरा, हम जरा सेमीफाइनल में आ रहे। हाँ भाई क्या है भैया, ये क्या चल रहा है? फिर जब मैंने बाद में एनालिसिस देखा तो इंडिया के मैच से पहले जब चार्ट दिखाए पाकिस्तान टॉप पे, अबे ये तो बाहर हो गए थे, टॉप पे कहाँ से आ गए? क्या चल रहा है ये, कौन चला रहा है ये? अबे इतने मोजे हो रहे भाई। सही गल है, पाकिस्तान जरा सेमीफाइनल चे पहुंच गया ना, ए भी अमरीका की साजिश है, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम का ध्यान हकीकी आजादी की तरफ हटा के ते क्रिकेट की तरफ लियाया जा रहा, ताकि जेडे जालमां के खिलाफ लोग खड़े ने उन्होंने उन्होंने हक ना मिल सके। मारी गल यार, इंज नहीं होना चाहिए। एक दफा का जिक्र है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच था और पाकिस्तान जीत गया।